देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आपको आईपीएल की टीम नहीं दे पा रहे थे, दो तीन मैचों से बहुत ही बिजी चल रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से आपको विनिंग टीम लेकर आ गया हूँ। देखिए आज का जो मैच है आपका केकेआर और दिल्ली के बीच की है। देखिए इसमें आपको टीम दिखा रहे हैं जो बेस्ट विनिंग टीम है। देखिए यहाँ पे आप विकेट कीपर में दोस्तों मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगर मैच के लास्ट घंटे में अगर कोई चेंज होते हैं तो हम आपको आधे घंटे पहले उसमें हम बता दें, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज मिल सके, ताकि वो विनिंग टीम आपके पास पहुँच जाए। देखिए यहाँ आप ऋषभ पंत को लीजिए, क्योंकि वो ऊपर के ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं, ओपनिंग करते हैं और बहुत अच्छे बैट्समैन्स हैं और वो आईपीएल में अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। कार्तिक नीचे के ऑर्डर में बैटिंग और उतना अच्छा भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। और इसके बाद देखिए बैटिंग में क्रिसलिन को लीजिए, क्योंकि ओपनर कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। और देखिए आप धवन को भी ले सकते हैं, लेकिन क्रेडिट की हो सकती है प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ उथप्पा भी है, राणा भी है, लेकिन आप यहाँ जो अच्छे फॉर्म में जो आपको हर मैच में पॉइंट दे कर ही जा सकते हैं, उन्हीं प्लेयर को आपको चूज करना है, क्योंकि आपको एक विनिंग टीम बनानी है कि जो सबसे अलग बनानी है, जिससे कि आप इस टीम से आप जीत सकते हैं, अच्छी रैंक लाकर विनिंग कर सकते हैं करोड़ों में। देखिए आप शेयर एयर को लीजिए, इनग्राम को लीजिए, पृथ्वी शाह को लीजिए, और नीचे के ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है। अगर हम इसमें कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे इनग्राम को हटाकर राणा, उथप्पा या धवन को लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि धवन भी ओपनिंग करने आते हैं, लेकिन आपको हम बेस्ट टीम बता रहे हैं। और यहाँ ऑलराउंडर में देखिए रसेल को तो मस्ट लेना ही, क्योंकि एकदम आईपीएल में धूम मचा के रखे हैं। और सुनील नारायण जो अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपने फॉर्म में लौट रहे हैं। और क्रिस मॉरिस को ले सकते हैं, लेकिन क्रिस मॉरिस स्टार्टिंग में एक दो मैचों अच्छा किए, फिर इसके बाद कोई नहीं कार्य करें। आप अक्षर पटेल को लीजिए, क्योंकि ये आपको बॉलिंग ये तो चार भाग करेंगे ही करेंगे, और उनकी बैटिंग भी आ जाती है तो बैटिंग भी कर लेते हैं। तेवतिया को ले सकते हैं, लेकिन नीचे आर्डर पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ अक्षर पटेल को लीजिए। और यहाँ बॉलिंग में दोस्तों देंगे तो रबाडा को तो लेना ही है। फिर यहाँ पीयूष चावला जो है, जो कि पीयूष चावला को एक दो मैचों से बाहर भी किया गया, जो अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, आप कुलदीप यादव को लीजिए, क्योंकि ये विनिंग प्लेयर हैं कि किसी मैच में चल गए तो आपको सीधे चार विकेट दे कर ही जाएंगे। फिर गर्नी भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, फॉरनर्स भी नहीं, ईशान शर्मा भी नहीं, अमित मिश्रा भी नहीं, टून बोल्ट और लमिन चाने को लीजिए, क्योंकि वो हर मैच में आपको एक दो विकेट निकाल कर दे रहे हैं, जिससे आप पॉइंट में टेबल विनिंग टीम में बने रहेंगे। और इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा देखिए नहीं, हर्षल पटेल नहीं, खान नहीं, इसके बाद कुछ नहीं। और आपको हम यहाँ बता दे रहे हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, दोस्तों आप कैप्टन वाइस कैप्टन देखिए किसी को भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कैप्टन जो बनाइए ऐसे प्लेयर को बनाइए, जो सबसे आप श्रेयर अय्यर को बनाइए, जो पिछले मैच में बहुत ही अच्छा खेले थे, आपको विनिंग प्लेयर ये हैं श्रेयर अय्यर। और पृथ्वी शाह को नहीं आप रखिए रसेल के, क्योंकि रसेल बॉलिंग और बैट्समैन दोनों से ही आपको पॉइंट देकर जाएंगे। आप देखिए जो कैप्टन वाइस कैप्टन है, आप अपने मन से भी कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो विनिंग टीम हम बता रहे हैं इसी के साथ चलिए, ताकि आप टेबल में बने रहेंगे। विनिंग टीम आपकी ये है, देखिए आपको प्रीव्यू दिखा दे रहे हैं, देखिए आपकी टीम बन गई है, आज की टीम जो दिल्ली और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच की है। और दोस्त फिर आपको कह रहे हैं कि बेल आइकन और सब्सक्राइबर करना ना भूले, ताकि जो आधे घंटे पहले जो लाइन मिलेगी लाइनअप उसमें जो चेंजिंग होगी हम आपको बता दें, ताकि आप तक पहुंच सकें, नहीं तो आप फिर विनिंग टीम से चूक जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।